हाँ तो फ्रेंड्स, ये है मेरा न्यू रोबो जीनी गैजेट। सब्सक्राइब करें पावर ऑन चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। हाँ दोस्तों, तो आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि मैं जो गिम्बल लिया हूँ वो तो आप जानते ही है, मैंने गिम्बल ले लिया। तो आप लोगों को आज दिखाना चाहते हैं कि मेरा गिम्बल जो है कैसा काम करता है, पूरा फीचर्स आप लोगों को आज बताना चाहते हैं और दिखाना भी चाहते हैं। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को पूरा फीचर्स। और दोस्तों, दिखने से पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब के बारे में नहीं होने से मेरा चैनल जो है आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और आपका सपोर्ट मेरे वीडियो के लिए बहुत अहम है, क्योंकि आपका सपोर्ट के बिना मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, मेरा मेहनत जो है अधूरा रह जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा। चलिए दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, बक्सा को खोलते हैं। बक्सा को खोलने से पहले बक्से के ऊपर कुछ फीचर्स है वो आपको बताते हैं। पहला जो है वायरलेस चार्जिंग है, दूसरा है इंटेलिजेंट कंट्रोल है, तीसरा है आपका इंसेप्शन मोड, चौथा है बिल्ट इन कैमरा ऐप्स, पांचवा है आपका ट्रैक शूटिंग, छठा है आपका लाइव स्ट्रीमिंग मोड। चलिए हाँ फ्रेंड्स, तो यही है मोजाजिनी का वो शानदार केस जो मोजाजिनी ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से शेप दिया है इसका, आप देख ही सकते हैं। तो खोलते हैं इसको, फिर आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। खुल जा सिम सिम। ये है गिम्बल, ये है गिम्बल का ट्राईपॉड, पूरा गिम्बल आपको दिख रहा है, देख लीजिए। ये है मेरा गिम्बल और ये है उसका चार्जिंग केबल। चलिए खोलते हैं इसको, निकालते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। हाँ दोस्तों, तो मोजा ने ये जो सारे सामान अपने बॉक्स के अंदर दिया है, ये है ट्राईपॉड। ट्राईपॉड जो है गिम्बल को स्टैंड करने में काम आता है, ये मोजा का ओरिजिनल ट्राईपॉड है। आप देख सकते हैं मोजा का लोगो है इसमें, और इसका पीछे जो है इसका स्टिकर है। मैंने ट्राईपॉड को जो है गिम्बल में फिट कर दिया, यह है मोजा का लोगो, आप देख सकते हैं, बड़ा बेहतरीन फिनिश है। इसका पीछे जो है इसका चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पे आप गिम्बल को चार्ज कर सकते हैं। ऊपर जो है माउंट है, माउंट होल्डिंग माउंट, यहाँ है आपका माइक होल्डिंग, माइक को आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं, कैमरे का जो माइक है। इसका बगल में जो है दोस्तों, यह है आपका चार्जिंग पॉइंट, मतलब मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, जिसका मोबाइल वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है वो यहाँ पे केबल लगा के मोबाइल चार्ज कर सकता है अपना। यह बहुत काम का चीज़ है मेरे लिए। हाँ दोस्तों, तो मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ बिना मोबाइल के, लेकिन बिना मोबाइल के अगर इसको ऑन करेंगे तो ये वाइब्रेशन होने लगेगा। आपको पता नहीं चलेगा वाइब्रेशन मोबाइल में, लेकिन ये वाइब्रेशन हो रहा है। हाँ, तो इसको वाइब्रेशन रोकने के लिए इसको मोबाइल देना ही पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस नहीं करने पाएगा। चलिए तो मोबाइल लगा के देखते हैं। हाँ, तो गिम्बल ऑन करने से पहले अगर हम इसको बैलेंस कर लेंगे तो क्या होगा कि इसका मोटर पे प्रेशर कम पड़ेगा, मोटर पे प्रेशर कम पड़ने के वजह से जो है इसका चार्ज जो है वेस्ट नहीं होगा, चार्ज बहुत देर तक आपको बैकअप देगा। इसका पीछे जो है इसका नॉब है, वहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट करके उसको टाइट करने से ये हो गया एडजस्ट। हाँ दोस्तों, तो ये है पावर बटन, पावर बटन को हल्का प्रेस करके रखने से पावर हो जाएगा ऑन। ये हो गया पावर ऑन, मेरा मोबाइल भी फिलहाल डीएक्टिव है, तो मैं इससे कनेक्ट करूँगा मेरा मोजाजिनी ऐप से गिम्बल को, ठीक है। तो अभी एक सर्च कर रहा है अपना गिम्बल का ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के लिए, कनेक्ट नहीं हुआ,
फिर सर्च करना है। तो फिलहाल सर्चिंग हो रहा है, एक बार फिर मिस करेगा फिर दूसरा बार वो कनेक्ट होगा। कनेक्टेड, अब लेगा कनेक्ट, ये हो गया कनेक्टेड। हम जाएंगे कैमरा में, ये आ गया उसका कैमरा मोड। ये जो है पावर बटन है, लेकिन इसको दोबारा चाप दो बार चापने से आपका जो वायरलेस इसका चार्जिंग मोड है, इसका सबसे बेहतरीन फीचर्स जो है वायरलेस चार्जिंग मोड है। लेकिन मेरा मोबाइल जो है वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है, ये रेडमी नोट 4 मॉडल है तो इसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। वायरलेस चार्जिंग जो सपोर्ट करता है आपका आईफोन में, तो उसमें ये चार्ज ले लेता, मैं आपको दिखा सकता, लेकिन मेरा रेडमी नोट 4 है तो मैं फिलहाल आपको ये फीचर्स नहीं दिखा सकता, आगे का फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ। लो बटन जो है वो 3 बार प्रेस करने से रियर कैमरा फेसिंग मोड वो ऑन हो जाएगा, फिर से उसको आप 2 बार प्रेस करने से फिर आपका वापस आ जाएगा। राइट बटन को 1 बार प्रेस करने से गैलरी मोड आ जाएगा, यह है गैलरी, गैलरी में कुछ भी देख सकते हैं। और मिडिल बटन 1 बार प्रेस करने से हो जाएगा वीडियो प्ले, और दोबारा 1 बार प्रेस करने से हो जाएगा पॉज। अपर बटन को है 3 टाइम प्रेस करने से आपका आ जाएगा इंसेप्शन मोड में, और 3 टाइम प्रेस करने से वो फिर से वापस में आ जाएगा। अपर बटन को जो है 2 बार प्रेस करने से स्टिल फोटो मोड में आ जाएगा, यह है स्टिल फोटो मोड, फिर दोबारा प्रेस करने से वो आ जाएगा वीडियो मोड में। अपर बटन को जो है 1 बार प्रेस करने से फिर से वो कैमरा सेटिंग मोड में आ जाएगा, यह है कैमरा सेटिंग मोड। आप इसको डायल से स्क्रॉल करके जो है ऑप्शन को सेटिंग्स को देख सकते हैं, पूरा सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं। यह ग्रिड मोड, इसके बाद आप ग्रिड को सेट कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन पूरा आपको दिख जाएगा, पूरा ऑप्शन को आप यहीं से सेट कर सकते हैं, पूरा कैमरा ऑप्शन को। कैमरा क्वालिटी जो है इसका सेटिंग से आप बेटर कर सकते हैं। यह हो गया इसका पूरा सेटिंग, यह फ्लैश ऑन ऑफ, यह है ग्रिड, यह कैमरा, इंटेलिजेंट मोड, ब्यूटी मोड। लेफ्ट हैंड में जो इंडिकेटर है यह है बैटरी इंडिकेटर, यह है YF और ऊपर है PF, दोनों मोड है, दोनों मोड से आप मोड चेंज कर सकते हैं। यह है जॉयस्टिक, जॉयस्टिक से आप कैमरा को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, जिधर चाहे आप घुमा सकते हैं उसको अपने हिसाब से, उसको आपको मेंटेन करना है। यह हो गया जॉयस्टिक का पूरा फंक्शन, मैं आपको हल्का से दिखा दूं ताकि आप समझ जाए कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों यह है मेरा सबसे पसंदीदा ऑप्शन ट्रैक शूटिंग, इसको करते हैं ऑन और इसको करते हैं सिलेक्ट। सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है ऐसे करके, ऐसे ये हो गया सिलेक्ट। अब इसको जिधर लेके जाइएगा वो कैमरा आपका उधर मूवमेंट करेगा, पूरा गिम्बल आपका उसको ट्रैकिंग करेगा सब्जेक्ट को। अब जिस किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो जिधर मूवमेंट करेगा तो ये भी उसका उसको फॉलो करके उधर ही मूवमेंट करेगा, ये इसका खासियत। मेरे को तो ये ऑप्शन बहुत बढ़िया लगा, और मेरे ख्याल से ये ऑप्शन आप लोगों को भी अच्छा लगा है। हाँ, तो YF और PF का जो ऑप्शन मैं आपको दिखाया था वो ऑप्शन मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये है YF ऑप्शन। मोबाइल एक जगह स्टे रहेगा, पूरा गिम्बल घूम जाएगा, मोबाइल का जो शूटिंग पॉइंट है वो एक जगह स्टे रहेगा, अप डाउन नहीं करेगा कैमरा। और PF का जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, PF में जो है अप डाउन करने लगेगा, लेकिन कैमरा एक जगह स्टे रहेगा लेकिन अप डाउन करने लगेगा, कैमरा जो है हल्का सा अप डाउन करेगा, आप जिधर चाहे उसको घुमा सकते हैं ऐसे करके। हाँ, तो अपर बटन जो है 3 बार प्रेस करने से इंसेप्शन मोड आ जाएगा, जो मैं पहले आपको दिखाया था, ऐसे होगा। अब जॉयस्टिक को हल्का करके घुमाने से जो है सिनेमैटिक जो मोड होता है वो आपको दिखेगा इसमें। हाँ, तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, खुदा हाफिज़।